द नेक्स्ट वी कैन सी हियर द लीव्स। यहां पर हमने देखा था ये जो पार्ट्स है प्लांट का ये लीव्स है। लीव्स को अगर आप क्लियरली देखेंगे तो लीव्स में जो ये जो वेन्स पार्ट्स है, लीव्स में क्या होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ, एक मेन वेन्स होती है, ये जो होती है लीव्स की ये मेन वेन्स होती है। लीव्स की ये जो मेन वेन है इसका काम क्या रहता है, जो कुछ भी ये फूड ये बनाती है ना इसके अंदर, वो पूरे छोटे छोटे वेन्स और कनेक्टेड रहते हैं इससे, और छोटे छोटे एक मेन जो वेन होती है वो बीच में रहती है, बाकी छोटे छोटे वेन्स जो कनेक्टेड रहते हैं वहां पर वो क्या करते हैं पूरे वाटर जो है, वाटर हो या फूड वहां पर जो प्रिपेयर होता है उसको पूरे वो अपने वेन्स के थ्रू से ये बॉडी पार्ट को इस तरह से ट्रांसफर कर देती है। फिर ये जो फूड बनने के बाद यहाँ पर आता है स्टेम को, स्टेम थी ना पूरे बॉडी पूरे पार्ट्स को क्या करता है ट्रांसफर करता रहता है। सो यहाँ पर फूड लीव्स, व्हाट इज द वर्क ऑफ द लीव, लीव प्रिपेयर्स द फूड विद द हेल्प ऑफ, लीव प्रिपेयर्स द फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ वॉटर इट प्रिपेयर्स द फूड। लीव प्रिपेयर द फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर। And after preparing the food, it transfers to the stem, and at the stem transfer that food into the entire parts of the body. जैसे कि हम खाना खाने के बाद मुंह में जैसे रखते हैं, मुंह के बाद हमारे पूरी बॉडी में किस तरह से खाना पास होता है, उसी तरह से खाना कहां पर बनता है इनका, लीव्स के पार्ट में बनता है। लीव्स में अगर खाना बनने के बाद वेन्स के थ्रू से ये क्या करता है पूरे स्टेम को ट्रांसफर करता है, स्टेम जो है पूरे बॉडी को ट्रांसफर कर देता है। तो ये जो खाना बनाने की प्रोसेस रहती है उसकी वजह से हम लीव्स को क्या बोलते हैं, लीव्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स। लीफ इज ऑल्सो कॉल्ड फूड फैक्ट्री, लीफ इज ऑल्सो कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स। और एक हम जब हम खाना बनाने के रूम को क्या बोलते हैं, किचन बोलते हैं, तो ये इसको और क्या बोला जाता है, किचन ऑफ द प्लांट, इसे क्या बोलते हैं किचन ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं, नहीं तो इसको फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स ऑल्सो इट सेज। यहां पर जो इस लीव में क्या होता है ग्रीन कलर का एक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है जिसे हम क्लोरोफिल नाम से जानते हैं। One of the pigment present in that leaves that is called the chlorophyll, and that with the help of that chlorophyll, due to the presence of the chlorophyll, the plants looks like in a green color. जो plants के green color जो दिखते हैं वो क्यों दिखते हैं, उसके अंदर एक chlorophyll नाम का एक छोटा सा pigment present रहता है, उसी की वजह से जो है ये plants जो है green color में दिखते हैं, और उसी chlorophyll से क्या करते हैं अपना plants जो है अपना खाना बना लेते हैं। और इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ ये जो ग्रीन लीव प्लांट्स है वो ही खुद अपना खाना बनाते हैं, जो नॉन ग्रीन प्लांट्स है वो अपना खाना बना नहीं पाते। तो वो जो प्लांट्स जैसे प्लांट्स होते हैं वो किसी और प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए, प्लांट्स हो या एनिमल हो उसको उसके ऊपर खाने के लिए डिपेंड होते हैं। द नेक्स्ट पार्ट वी कैन सी हियर इट इज द फ्लावर्स। Next part we can see here it is that the flowers. As we have seen, flower is the most beautiful part in the plant. As we can see here, in entire plant, we can see one of the most beautiful part, that is the flower. And flower, there are different types of flowers. जैसे कि हम देखते हैं, ज़्यादातर जो है, बहुत सारे plants हमने देखे हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादातर फ्लावर के प्लांट को बहुत पसंद करते हैं और अपने घर पे भी लगाए हुए रहते हैं। अगर आप अपने गार्डन में, जो छोटा सा घर के गार्डन में अगर आप देखेंगे तो फ्लावर्स के बहुत सारे प्लांट्स आपको मिल जाएंगे। जो प्लांट्स के फ्लावर्स जो है कुछ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स विद देयर, मे बी सम फ्लावर्स आर बिग, सम फ्लावर्स आर स्मॉल, एंड द कलर्स ऑफ द फ्लावर्स वर मेनी डिफरेंट टाइप्स। कुछ बहुत अलग अलग कलर्स के प्लांट्स के हम फ्लावर्स देखते हैं। And next we can see here the reproduction. Reproduction. Last lesson में हमने देखा था what is the reproduction means the animals which can they can produce with the same kind. The animals जो वो खुद अपनी तरह के animals जो produce करते हैं उनको हम reproduction बोलते हैं। तो ये flower का काम क्या है? Reproduction का काम भी इन्हीं flowers का होता है जो ये flowers से ही fruits बनते हैं। Maximum जो कोई भी flowers होते हैं flowers से ही fruits बनते हैं और इसी flowers से रिप्रोडक्शन का भी काम यहां पर होता है। ओके, सो देन आल्सो द नेक्स्ट पार्ट वी कैन सी हियर दैट इज द फ्रूट्स एंड द सीड्स। वी कैन सी फ्रूट्स एंड द सीड्स, जैसे कि हम यहां पर देखा था यहां पे दैट दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द
फ्रूट। ये फ्रूट्स जैसे हम देखते हैं मैक्सिमम जो कुछ भी मार्केट में हमें फ्रूट्स मिलता है दैट दो ऑल दोस फ्रूट्स वी आर गेटिंग फ्रॉम द प्लांट्स ओनली। एक्चुअली वी नो दैट बच्चे बहुत से बोलते होंगे कि फ्रूट्स जो कुछ भी मार्केट में मिलता है लेकिन ऑल दोस फ्रूट्स दे वर ग्रोन ऑन द प्लांट्स ओनली। So here we can see there are different types of fruits were there in the market. We can see here that many different types of fruits are there. So as we know that like some mangoes, some papaya, chiku, whatever, these are different types of fruits we may see in that fruits. In fruits ke andar jo hota hai, in fruits ke andar bahut sare seeds hote hai. In fruits ke andar hi kya hota hai? Seeds hota hai jo chote chote kisi plants ke ya kisi fruits ke सीड जो है छोटे रहते हैं किसी फ्रूट्स के सीड जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं। एंड वन मोर डिफरेंस वी कैन सी हियर दैट किसी सम ऑफ द फ्रूट्स व्हिच हैज ओनली वन सीड एंड सम ऑफ द फ्रूट्स व्हिच हैज मेनी सीड्स। जैसे हम मैंगो को ले लेंगे, मैंगो के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सीड होता है तो बड़ा सा होता है। और अगर उसी तो एग्जाम्पल्स हम देखेंगे चीकू हो या वाटरमेलन हो या और कोई पपाया हो तो इनके जो सीड्स होते हैं इनमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। अगर हम एग्जांपल में ले लेंगे तो मैक्सिमम प्लांट्स मोस्ट ऑफ द प्लांट्स वर ग्रो फ्रॉम द सीड्स ओनली। जैसे कि हमने देखा था लास्ट लेसन में जो भी प्लांट्स है ये कैसे किस किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। दे कैन रिप्रोड्यूस मींस और एक प्लांट्स न्यू प्लांट्स कैसे बॉर्न होते हैं विद द हेल्प ऑफ द सीड विद द हेल्प ऑफ द स्टेम एंड विद द हेल्प ऑफ सम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वी हैव सीन बल्ब से हो या फ्रूट से हो या सीड से हो या और स्टेम से हो। ये इस तरह से प्लांट जो है न्यू प्लांट ग्रोन होता है। तो ज्यादा से ज्यादा जो प्लांट्स होते हैं वो सीड से ग्रो होते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स जो है वो सीड से ग्रो होते हैं। और ये सीड्स जो होते हैं सीड के अंदर ही न्यू बेबी प्लांट जो होता है न्यू बेबी प्लांट प्रेजेंट होता है। और न्यू बेबी प्लांट जो है उनके लिए जो खाना जो कुछ भी रहता है whatever the food the new baby plants want the food the new baby plants will get the food from inside the seeds inside the seed only the new baby plant will takes the food uske jo kuch bhi uske khane ke liye ya kuch bhi facility usko rehne ke liye jo kuch bhi hai ye new seed mein hi present hota hai। अगर उस सीड को अच्छे से सनलाइट हो अच्छे से एयर हो या अच्छे से पानी वगैरह उसे मिल जाता है तो वो सीड क्या हो जाता है एक न्यू बेबी प्लांट को बॉर्न करता है। तो इसी तरह से ये लेसन में हमने सबसे पहले देखा था द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स वी हैव सीन अमंग देम देयर आर टू मेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स वी कैन सी दैट वन इज द रूट एंड अनदर वन इज द शूट। एंड रूट हैज द टू मेन टाइप्स दैट इज द फाइबरस रूट्स एंड द टैप रूट्स। टैप रूट्स क्या होते हैं जो एक ही सिंगल स्टेम होता है सिंगल रूट होता है उसको छोटे छोटे रूट्स कनेक्टेड होते हैं। लेकिन फाइबरस रूट्स क्या होता है बंच ऑफ रूट्स होता है जैसे कि ग्रेप्स के जैसे बंच में कनेक्टेड होते हैं उसी तरह से बंच ऑफ रूट्स क्या होता है डायरेक्टली जो है वो स्टेम के एंड से कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद हमने रूट शूट में देखा था शूट को देखा था हमने शूट में भी बहुत सारे पार्ट्स थे जैसे कि स्टेम लीफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। One by one we have seen stem provides the plants to stay upright and it also transfers the minerals, waters and food to the different parts of the plant. And also the next we have seen the leaf. Leaf prepares the food in so for that reason the leaf is also called the food factory of the plants or the kitchen of the plants it is called. And also और एक मैं important बात बता दूं ये leaves जो है ये breathing किससे करते हैं लीव्स के अंदर छोटे छोटे एक पोर्स होते हैं। लीव्स के अंदर जो है वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसे हम स्टोमेटा कहते हैं स्टोमेटा नाम से जानते हैं। ये स्टोमेटा जो है ये स्टोमेटा के थ्रू से ही लीव्स जो है वो ब्रीदिंग करते हैं। जैसे कि हम ब्रीदिंग नोज से ब्रीदिंग करते हैं जो एक लंग सिस्टम डेवलप है अपने अंदर उसी तरह से इनके अंदर जो है एक स्मॉल पोर्स ऑफ होल्स वर देयर इनसाइड इन द लीव and that is called as the stomata and with the help of the stomata it takes the breath and jo kuch bhi isme agar extra water store ho jata hai to water ko bhi ye stomata kya kar deta hai bahar nikal deta hai। aur uske baad humne dekha yahan par ki flowers dekha tha jo ki flowers jo beautiful parts of the plant hota hai jo reproduction ke liye kaam aata hai reproduction jo hai ye flowers se hi hota hai aur flowers jo hai fruits bhi dete hai। So the next we have seen that fruits and the seeds जो बहुत सारे fruits होते हैं जिनमें किसी plant fruits में एक ही seed होते हैं और किसी fruits में बहुत सारे seeds होते हैं। तो इस तरह से हमने पूरा the parts of the plants and their functions we have studied this one okay।